थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप इतनी दूर से आपने सोचा कि ये सेशन करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक यू मस्ट बी टू बिजी विद द होल टूर ऑफ व्हाट यू डूइंग विद अक्षयपाजी एंड एवरीवन। सो नहीं कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट ऑल्सो। भाई, कोई दूरी नहीं, आप हमेशा दिल के करीब थे, हमेशा दिल के करीब हैं और रहेंगे। जिस किस्म का बवाल, किस्म का जो रिस्पॉन्स एक गाने से मिला है पिक्चर को, मैंने हमेशा सलमान सर के साथ में ये चीज देखी है कि जब भी उनके गाने आते हैं तो सलमान खान की जो पहली टीम होती है वो खुद होते हैं। सलमान सर को पता है कि किस तरह चीजों को और हर दौर को वो पकड़ के चलते हैं, जब भी कोई भी नया नया दौर आता है। सलमान जो जिस तरीके से इतने फ्रेश लग रहे हैं, मतलब आई जी मीन जी जी हैट्स ऑफ। एक बहुत तो जिस बहुत तरीके से खूबसूरत। एंजॉय करते हैं ना, वो एंजॉय करके जो काम करते हैं वो एक अपना अलग ही उसका लेवल का होता नहीं, यंग और क्यूट लग रहे हैं उस सॉन्ग में, मतलब माशाल्लाह से। मैं तो बोलता हूँ कि नजर ना लगे वो इस तरह, जब भी दिखते हैं तो दिल से ऐसा दुआ निकलती है कि यार ये आदमी ऐसा ही दिखे हमेशा पूरी जिंदगी। है। जैसे अभी पठान रिसेंटली आई है और उसमें दो गाने थे, बेशरम रंग जी, और जो पठान। तो जब भी ऐसे कोई बॉलीवुड धमाका टाइप के गाने आते हैं तो हम बड़े फिंगर्स क्रॉस रहते हैं कि भाई ये गाने चलने चाहिए। देखिए, मैं आई थिंक उनके करियर में सबसे लंबा टाइम चलने वाला कोरियोग्राफर हूं मैं, ये समझता हूँ। लेकिन मैं उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर अपने आप को नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ अभी भी बाकी है मुझे थोड़ा सा और बनना। कोई मेमोरी दिनका चिका की? बहुत सारी मेमोरीज है, आप समझ सकते हैं सलमान खान के साथ काम करना हो तो आप मेमोरीज में ही जियेंगे, आपको इतनी सारी मेमोरीज मिलेंगी। लेकिन वन ऑफ द मेमोरी आई कैन शेयर विच इज आई हैव हार्डली शेयर्ड, टंटन अटन टंटन टारा इज वन ऑफ द सॉन्ग विच इज लाइक एवरग्रीन के साथ साथ फ्रेश लगता है। एवरग्रीन बोलते तो ऐसा लगता है थोड़ा पुराने में भी काउंट हो जाता है वो चीज, लेकिन दिस इज लाइक एवरग्रीन एंड फ्रेश। मुदस्सर, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप इतनी दूर से आपने सोचा कि ये सेशन करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक यू मस्ट बी टू बिजी विद द होल टूर ऑफ व्हाट यू डूइंग विद अक्षयपाजी एंड एवरीवन। सो नहीं कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट ऑल्सो। भाई, कोई दूरी नहीं, आप हमेशा दिल के करीब थे, हमेशा दिल के करीब हैं और रहेंगे। सो स्वीट ऑफ यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक तो यू। मतलब सर, हम लोगों ने साथ में दबंग दबंग टूर, हम लोगों ने करीबन 6 साल हम लोगों ने कवर किया है, और मेरी जी जी आपसे जी मैंने देखा है बहुत ही करीब करीबी तौर पे, जिस तरीके से आप सलमान सर के साथ में आप पे इंटरेक्शन रहता है, और हाउ मच ही वैल्यूज यू, आपने उनके लिए थैंक कोरियोग्राफ यू भी भाई। आपने किए। तो मैंने ओके सोचा कि मैं जी, आपके साथ में ये एक सेशन करूँ कि टॉप 5 सॉन्ग्स आपको जो लगता है कि जो सलमान खान के ऊपर कोरियोग्राफ किए गए। लेकिन उससे पहले मैं जी थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि ये अभी इनका जो एक गाना आया है, ये बिली बिली, जी और आपको भी बहुत तजुर्बा है इंडस्ट्री का, और आई थिंक कोई भी अगर इंडस्ट्री को फॉलो कर रहा है तो उसको अंदाजा होता है कि एक गाना जो होता है वो फिल्म को गर्म कर देता है। मतलब इस गाने ने जिस तरीके से मतलब नंबर 1 ट्रेंड से वो नीचे उसमें आने का ठान लिया था, कि जब भी देखो यूट्यूब पे हाँ नंबर, जब भी देखो यूट्यूब पे नंबर 1, और एक दिन जी, के बाद में शादियों में चलना शुरू हो गया। वो अपने करेक्ट आप करेक्ट करेक्ट। होता है कि यार गाना जो है ये निकल पड़ा। तो कैसे देखते हैं आप इसको, ये जिस किस्म का बवाल, किस्म का जो रिस्पॉन्स एक गाने से मिला है पिक्चर को? मैंने हमेशा सलमान सर के साथ में ये चीज देखी है कि जब भी उनके गाने आते हैं तो सलमान खान की जो पहली टीम होती है वो खुद होते हैं, वो ऑडियंस और उनके फैंस के लिए गाना करते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि वो जब भी कोई ऐसा सॉन्ग करते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि भाई देखो पहले तो ये मेरे फैंस के लिए है, बाद में ये जो दूसरी लोग हैं कि बिजनेस किस तरह गाना प्रमोट होना है, कितने व्यूज मिलने हैं, कौन सी रैंकिंग में आएगा, ये कौन से उसके बिजनेस लेवल पे आएगा, ये कौन से प्रमोशन लेवल पे आएगा, ये वो बाद में देखते हैं। तो वो मोहब्बत और प्यार के लिए वो गाना रिलीज करते हैं। आप कभी भी देखेंगे जब भी सलमान सर गाना रिलीज करते हैं तो वो अपने हर जगह पे वो डाल देते हैं पूरा गाना। ज्यादातर लोग देखिए गाना अपने इंस्टा हैंडल पे या फेसबुक पे डालते नहीं, ज्यादा डायरेक्ट बोलते हैं भाई यूट्यूब पे देखो। तो ये उनका प्यार है सबसे पहले कि ये बाद में एक तरह का बिजनेस या बाद में एक तरह की वो प्रमोशन है, पहले तो ये उनका प्यार है कि भाई देखो मैं मेरे फैंस के लिए क्या लाया हूँ। तो ऑब्वियसली जब आप किसी मोहब्बत से कोई चीज को जोड़ते हो तो वो हर कोई को पसंद आता है और वो उसको पसंद करते हैं। और बिल्ली बिल्ली से पहले जब नहीं लगता आया था, आप देखिए उसकी एक प्रमोशन लेवल अलग थी ऑडियंस को पसंद करने की, उसके तरीका अलग था, फिर बिल्ली बिल्ली का उसका एक तरीका अलग था। तो सलमान सर को पता है कि किस तरह चीजों को और हर दौर को वो पकड़ के चलते हैं, जब भी कोई भी नया नया दौर आता है। आई थिंक वो मैजिक क्रिएट करना जानते हैं और वो जानते हैं किस तरह लोग उनको प्यार करेंगे और क्या क्या लोग चाहते हैं अभी, दैट्स व्हाट ही नोज। एंड आई थिंक इसी तरीके से वो उनके गाने आप देखिए हर बार कुछ ना कुछ
इंडस्ट्री में आप देखिए सारे गाने अच्छे हिट सॉन्ग्स अगर आप पकड़ेंगे तो 50% अच्छे हिट सॉन्ग्स पूरी इंडस्ट्री के पास है और 50% खाली सलमान खान के पास है। और जैसे हुक स्टेप की अगर बात हो रही है, मैं आपका इंटरव्यू जी देख रहा था, अपने जानी मास्टर इसके कोरियोग्राफर हैं, साउथ के जी कोरियोग्राफर हैं, और जी उन्होंने एक जी हुक स्टेप है और आई थिंक जिस तरीके का पूरा एक फ्रेम भी बनाया है, वो फ्रेम को पूरा भरा हुआ है डांसर्स से, और जो सलमान जो जिस तरीके जितने फ्रेश लग रहे हैं, मतलब माशाल्लाह, मतलब आई जी थिंक जी जी हैट्स ऑफ। एक बहुत तो जिस बहुत तरीके से खूबसूरत। इंजॉय करते हैं ना, वो इंजॉय करके जो काम करते हैं वो एक अपना अलग ही उसका लेवल का होता है। कोई भी काम करते हैं इंजॉय करते हैं, वो जी दिख जी रहा है जी उसके जी अंदर। सो वो जो एक हुक स्टेप जो एकदम इतना फेमस हो गया है, और मतलब हाँ आई थिंक गाना अपने आप में हाँ सेलिब्रेट कर रहा वाला मैं बोलता हूँ ये बहुत बहुत प्यारा सा क्यूट सा सॉन्ग है, बिकॉज वो जिस तरह से दिख रहे हैं, है। जितने क्यूट लग रहे हैं वो, जितने यंग और क्यूट लग रहे हैं उस सॉन्ग में, मतलब माशाल्लाह से, मैं तो बोलता हूँ कि नजर ना लगे वो इस तरह, जब भी दिखते हैं तो दिल से ऐसा दुआ निकलती है कि यार ये आदमी ऐसा ही दिखे हमेशा पूरी जिंदगी। आप कोरियोग्राफर हैं और आप आपको खुशी भी हुई होगी कि जैसे अभी पठान रिसेंटली आई है और उसमें दो गाने थे, बेशरम रंग जी और ये पठान, जिस तरीके से दोनों गाने उनको जो अप्रिसिएशन मिला कोरियोग्राफी के लेवल, और जिस तरीके से थिएटर में लोगों ने एंजॉय किया दोनों गानों के ऊपर, वो मुझे लगता है कि बहुत सालों में शायद इस तरीके का रिस्पॉन्स शायद रेयरली देखा गया हो। बेशक 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 स्वैग के ऊपर या फिर बेबी तो बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, इस तरीके गानों पर आया था। एज अ कोरियोग्राफर आपके आपको कितना आपके लिए एक ये खुशी का मकाम था जब आपने देखा इस। गाना आने से पहले तो हमको पता था कि ये दो गाने आने वाले हैं, और फिल्म तो बाद में रिलीज हो रही है, लेकिन पहले तो हम सारे कोरियोग्राफर्स को पता होता है कि फलाना का ये गाना आने वाला है, इसका ये गाना आने वाला है, और शाहरुख भाई का गाना बहुत ही बज में था कि ये दो गाने आने वाले हैं। हम लोगों का ये था पे कि गाना जो है ना, ये गाने चलने चाहिए। जब भी कोई बॉलीवुड टाइप के गाने आते हैं तो उससे हम सभी कोरियोग्राफर्स का ये फायदा होता है, क्योंकि वो गानों से बाकी दूसरे गाने जो हैं वो एक बड़े गाने से 50 बड़े गाने और बनते हैं बॉलीवुड के, तो जब भी ऐसे कोई बॉलीवुड धमाका टाइप के गाने आते हैं तो हम बड़े फिंगर्स क्रॉस्ड रहते हैं कि भाई ये गाने चलने चाहिए। दिल में मेरे दर्द डिस्को हो गया हो, या आप ऊंची है बिल्डिंग हो गया, तो जो भी गाने ऐसे बॉलीवुड टाइप के गाने होते हैं जिसमें बड़ी ढिंचक म्यूजिकलिटी, बहुत सारे डांसर्स, तो उससे हम कोरियोग्राफर्स को बहुत फायदा होता है, क्योंकि उसके बेस पे और 50-500 गाने बॉलीवुड बनाता है कि भाई शाहरुख खान के गाने चल गया तो आप और 500 गाने दूसरे प्रोड्यूसर्स बनाने का, रखने का सोचते हैं अपने फिल्मों में, और वो गाने अगर समझ लीजिए नहीं उतने पकड़ में आते हैं तो दूसरी फिल्में भी उस टाइप की बनने लग जाती हैं कि सीरियस टाइप की फिल्में, उसमें वो गाना वो लोग नहीं करते, नहीं भाई इसमें हमको एक बॉलीवुड टाइप का गाना नहीं करते हैं, कोई सीरियस कर लेते हैं या कोई सैड कर लेते हैं या कोई रोमांटिक कर लेते हैं, या एक बंदा खाली चल रहा है और पीछे बस लंदन दिखा दो और डांसर्स नहीं चाहिए। तो जब भी डांसर्स ऐड होते हैं हम कोरियोग्राफर्स को बहुत मजा आता है, तो हम बहुत वेट कर रहे थे कि ये दोनों गाने बहुत चलने चाहिए, और हम लोगों को लगता है हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर चल गए। दोनों गाने इतने धमाकेदार चले हैं, पठान का और दूसरा वाला बेशम रंग, और हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इसके जरिए हमारा भी एक इंडस्ट्री का फ्लो जो है वो बढ़ता है, और हर चीज बढ़ती है, डांसर्स की डिमांड्स बढ़ती है, कॉस्ट्यूम्स की डिमांड बढ़ती है, म्यूजिक डायरेक्टर्स को और ज्यादा गाने बनाने का इसमें ऑफर बढ़ता है, और लोग हमको प्रपोजल्स बढ़ते हैं कि भाई हमारे भी फिल्म में पठान टाइप के कोई गाना हो, क्योंकि गाने से ही फिल्मों का एक, आपने जैसे बताया कि वजन जो है वो बहुत बढ़ जाता है, तो वो दोनों गाने से मुझे लगता है इंडस्ट्री का पूरा रुख बदल गया है, और भी बहुत सारी फिल्मों में लोग उस टाइप के गाने डालने लग गए हैं, चाहे वो छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म हो, तो ये बहुत अच्छा हो गया है ये। वो तो सर कमिंग टू टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ 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 सलमान खान कोरियोग्राफी वाइज, अगर आप हमें बताएं कि 5वें नंबर पे कौन सा ऐसा गाना है जिसको तो लगता है कि सलमान खान के ऊपर फिल्माया गया है कोरियोग्राफी के लेवल पे, और मे बी इट इज वन ऑफ द बेस्ट। देखिए मैं आई थिंक उनके करियर में सबसे लंबा टाइम चलने वाला कोरियोग्राफर हूं मैं, ये समझता हूँ, क्योंकि मैं आज 2010 से उनके साथ एक फैमिली की तरह हूँ, आज तो मैं एक फैमिली बन गया हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा
लकी और अपने आप को मानता हूँ, ब्लेस्ड मानता हूँ, ग्रेटफुल मानता हूँ, लेकिन मैं उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर अपने आप को नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ अभी भी बाकी है मुझे थोड़ा सा और बनना। सबसे बेस्ट मुझे लगता है 5वें नंबर पे अगर कोई सॉन्ग मुझे लगता है तो वो है बेबी को बेस, क्योंकि उल्टा बेबी को बेस एक वेडिंग सॉन्ग के साथ साथ डांसिंग और मसाला और सारी के सारे बच्चों को भी पसंद आए और बड़ों को भी पसंद आए, दैट काइंड ऑफ सॉन्ग है। और वो मुझे लगता है बेबी को बेस इज द 5th बेस्ट सॉन्ग ऑफ करियर ऑफ सलमान सर। चौथे नंबर पे मैं उसको दबंग का गाना लूंगा, हुड़ हुड़ दबंग, क्योंकि दबा हाँ हुड़ हुड़ दबंग इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बॉयज सॉन्ग, बॉयज गैंग, बॉयज हुड। तो आप कभी भी देखेंगे कि कहीं पर भी हम जाते हैं, कोई पार्टी या फंक्शन होता है, तो सारे बॉलीवुड टाइप के गाने जब बजते हैं तो सब होता है, लेकिन जहां पर भी दबंग का गाना आता है तो हर एक लड़के को लगता है कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, कि जो भी शर्माता है बाकी बॉलीवुड के कमर ठुमके लगाने से या बेबी को बेस के ठुमके लगाने से डरता है कि नहीं भाई ये तो बहुत ही ज्यादा बॉलीवुडिश है और डांसिंग की जरूरत है, लेकिन जब भी दबंग का गाना आता है तो बंदा बोलता है ए रुक जाओ रुक जाओ, ये मैं कर सकता हूँ। तो बेल्ट पकड़ के हिलाना या यूं करना या यूं करना, चश्मा पीछे लगा लेना, तो ये मुझे लगता है उससे थोड़ा सुपीरियर है हुड़ हुड़ दबंग। थर्ड मैं ढिंका चिका को देना चाहूंगा जो कि मेरा गाना है, मैंने मेरी करियर की बूम वहां से हुई थी जहां से सलमान सर ने मुझे ऐसा गाना दिया था जिससे मेरा करियर शुरू हो गया था और मेरे सारे नाम आना स्टार्ट हो गया था कि हाँ मुदस्सर खान करके एक कोरियोग्राफर आया है। ढिंका चिका इसलिए क्योंकि वो बहुत ही लोकल ऑडियंस को दर्शाता है, बॉम्बे की, दिल्ली की, हैदराबाद की, ये सभी जो शहर में जो छोटे छोटे लोकल ऑडियंस है, जो बहुत ही बिंदास रहने वाली ऑडियंस है, जिनको मतलब स्टाइल और एटीट्यूड उनका एक अलग तरीके का इंडियननेस हम कह सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हिप हॉप सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं है बल्कि इंडिया में भी है, वो हमारे स्ट्रीट डांसिंग के रूप में, तो गलियों में जो डांस होता है बॉम्बे की, हैदराबाद की, दिल्ली की, ये सब जगहों की, तो वैसे उसी तरीके से वो ढिंका चिका बहुत ही स्ट्रीट कमर्शियल टाइप का सॉन्ग है, जो मुझे लगता है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट है सलमान खान का, क्योंकि आप देखेंगे कि बच्चे बच्चे को जब भी ढिंका चिका बज रहा है तो हर इंसान पॉकेट में हाथ रख के हिलाना चाहता है, डांस करना चाहता है। सो बिल्कुल दैट इज वॉट ढिंका चिका वुड बी द 3rd बेस्ट कोरियोग्राफ्ड सॉन्ग ऑफ सलमान खान। कोई मेमोरी दिन का चिका की ढिंका चिका की मेमोरी ये थी कि मेरी शुरुआत थी, मेरा वन ऑफ द बिगिनिंग था मेरा। पहले मैंने दबंग का गाना किया था हमका पीनी है, हमका पीनी है के बाद मैंने ढिंका चिका सेकंड फिल्म रेडी जो थी वो मिली। बहुत सारी मेमोरीज है, आप समझ सकते हैं सलमान खान के साथ काम करना हो तो आप मेमोरीज में ही जिएंगे, आपको इतनी सारी मेमोरीज मिलेंगी, लेकिन वन ऑफ द मेमोरी आई कैन शेयर विच इज आई हैव हार्डली शेयर्ड, बस पे एक सीन है जहां पर ढिंका चिका सारे डांसर्स के साथ सर कर रहे हैं, हमने बस के नीचे शॉट लगाया कैमरा एंड ही इज जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट विद द गैंग, बस के ऊपर सारे डांसर्स हैं एंड हम बस के ऊपर से हमने स्टार्ट किया है वो गलिया में, गलियारे में, फिल्म सिटी में। वो स्टेप मुझसे गलती हो गई थी और सलमान सर को मैंने लेफ्ट प्रॉम्प्ट कर दिया था और डांसर्स राइट कर रहे हैं, तो वो गलती मुझसे हो गई थी और वहां पे ऊपर से उन्होंने मुझे बोला मुदस्सर ये लेफ्ट में था ये राइट में था, तो मैंने अचानक से रियलाइज किया और मैंने बोला कि सर ऐसे मुंह पे हाथ रखा, मैंने बोला सर वो तो राइट में था पहले, और वो मेरे नजदीक आया और मुझे बोला देखना चाहिए था ना, उन्हें उन्होंने मेरी आंखों में एकदम ऐसे देखा और मुझे बोला देखना चाहिए था ना, और मैंने एकदम ऐसे उनको देखा, बोला सर सॉरी सर मैं देखा नहीं सर, ध्यान नहीं दिया मैंने, देखना चाहिए था तुमको, और मैंने उनकी आंखों में देखा, उन्होंने मेरी आंखों में देखा, अभी आ गया क्या है, उन्होंने 1 सेकंड में सारा मतलब फेंक दिया गुस्सा साइड में और उन्होंने मुझे मतलब ये सोचा कि चल ये तो नया है इसकी गलती माफ, और मुझे उन्होंने वहां पर ये रियलाइज कराया कि सलमान खान सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर नहीं है, टीचर भी है, मुझे सिखा रहा है कि चल तूने गलती करी आगे बढ़ और सीख, और मेरी जिंदगी का पहला सबक मुझे वहां मिला उस गाने में कि देखो आपने मिस्टेक करी है और आप मिस्टेक करोगे, आप कोई बहुत बड़े वो नहीं हो, और अगर मिस्टेक करोगे तो ऐसा इंसान आपको मिलना चाहिए जो आपकी गलती को माफ करे, नहीं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि चलो आउट आज के बाद दिखना नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग जगहों पर लोगों को ऐसा होता है, कोई 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 डायरेक्टर निकाल देता है, कभी कोई निकाल देता है, इतनी बड़ी गलती हो गई थी।
और फिर उसके बाद वापस सलमान सर बस पे गए और हमने आगे का शॉट किया। और फिर मैंने उनको पूछा कि सर वो अभी तो लेफ्ट में हो गया, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने मुझे बोला एडिट पे संभाल लेना, ऐसे बोला। सेकेंड नंबर पे मैं टन टना टन 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 टारा बोलना चाहूंगा, क्योंकि टन टना टन 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 टारा इज लाइक सॉन्ग वाइज, स्टेज वाइज गणेश आचार्य जी ने, मास्टर जी ने उसको कोरियोग्राफ किया है। टन टना टन 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 टारा इज वन ऑफ द सॉन्ग विच इज लाइक एवरग्रीन के साथ साथ फ्रेश लगता है। एवरग्रीन बोलते तो ऐसा लगता है थोड़ा पुराने में भी काउंट हो जाता है वो चीज, लेकिन दिस इज लाइक एवरग्रीन एंड फ्रेश। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कोरियोग्राफी, बिकॉज सलमान खान की एनर्जी, डांसर्स की एनर्जी और वो स्टेज स्टेज यू नो स्टेज इज ऑल अबाउट, बिकॉज सलमान खान इज ऑल अबाउट स्टेज। मैं सलमान खान को, सलमान सर को मैं एज अ परफॉर्मर इन द सॉन्ग से ज्यादा खुश उनको स्टेज पे देखता हूँ, कि वो जब स्टेज पे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं और एक्साइटेड रहते हैं, एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा ऊपर रहती है। ही ऑलवेज वांट टू परफॉर्म लाइव, सो ही इज अ गाय ऑफ स्टेज, ही ऑलवेज लव्स टू परफॉर्म ऑन स्टेज, ही ऑलवेज लव्स द ऑडियंस, के ऑडियंस मुझे लाइव देखे। बाहर में गया कैमरा, बाहर में गई लाइटिंग, बाहर में गया सारा कटिंग एंड सारा तुम्हारा सिनेमाटोग्राफी और तुम्हारा सारा वो सब बाद में, मुझे मेरी ऑडियंस को लाइव देखना है, ऑडियंस को मुझे स्टेज पे देखना है, मुझे नाचना है, मुझे बस स्टेज पे एंजॉय करना है, और मेरे को मोहब्बत वहां से मतलब ऑडियंस पे डालनी है। सो आई हैव ऑलवेज सीन दैट हिम, बिकॉज आई हैव ऑलवेज कोरियोग्राफ गॉट अ चांस टू कोरियोग्राफ ऑन सॉन्ग्स ऑल्सो, इन द एड फिल्म ऑल्सो एंड इन द स्टेज ऑल्सो। आपके साथ मैं था पूरा, हमने वर्ल्ड टूर किया है। मैं नहीं समझ सकता हूँ कि ऐसी एनर्जी जो ऑडियंस के अंदर थी वो कभी कोई जस्टिन बीबर या कभी कोई कोई रैपर आप देख लीजिए अमेरिका के, आप उनके कोई भी कॉन्सर्ट्स देख लीजिए, आगे के कोई दो चार लोग होते हैं रोज होते हैं जिसमें ऑडियंस पागल हो रही होती है, मगर मैंने सलमान खान की जो शो करे हैं हमने अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, लंदन में, दुबई में, दिल्ली में, वो वर्ल्ड टूर में मैंने देखा कि नॉट इज जस्ट आगे की दो रो, बल्कि पूरा का पूरा स्टेडियम सेम एनर्जी में था। जो एनर्जी आगे थी वो एनर्जी पीछे भी थी। तो मुझे लगता है कि वो एनर्जी कब आती है, जब परफॉर्मर वो एनर्जी ऑडियंस को देता है। एंड आई थिंक सलमान खान इज वन ऑफ द गाय हु कैन लाइक हु इज अ रॉक स्टार ऑन स्टेज। माइकल जैक्सन के जब कॉन्सर्ट में जो जो मंजर हम देखते थे आई वीडियोस में, वो स्वेयर, हमने आई हमने स्वेयर। अपनी आंखों से देखे। जी, स्वैग से स्वागत इज डेफिनेटली फॉर मी नंबर वन इन द लिस्ट, बिकॉज मेरे फेवरेट स्टार सलमान खान, फेवरेट कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट, फेवरेट प्रोडक्शन यश, आप देखेंगे यशराज इज लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट, बिकॉज प्रोडक्शन बहुत जरूरी है आपके लिए गानों में प्रोडक्शन होना, क्योंकि गाना बनाने में वो सपोर्ट भी चाहिए ताकि वो उस तरह का गाना बने, उस लेवल का गाना बने। एंड उसमें कटरीना आपकी को स्टार, कटरीना कैफ और सलमान खान इज इन अ वेरी स्वैग स्टार, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। सो दैट्स व्हाई दे एडेड दैट स्वैग इन सलमान खान, ही इज जस्ट अ स्वैग स्टार, द होल सॉन्ग इज ऑल अबाउट स्वैग। बोलते हैं ना चेरी ऑन द केक, दैट इज व्हाई दैट इज द फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग टू क्रॉस 1 बिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। सो दैट इज व्हाई दैट इज माई वन ऑफ माई द फर्स्ट नहीं, बेस्ट डेफिनेटली। सॉन्ग। और देखिए, एक 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 बहुत दिलचस्प बात यह भी है कि स्वैग सपोज किया जाता है कि दैट एक बहुत ही यूथफुल टर्म है। जी तो सलमान, आप उनको बहुत करीब से जानते हैं, मैं भी उनको बहुत करीब से मैंने देखा है, और जब जी बहुत करीब से जब आप देखते हैं तो आप उनको समझते हैं। तो मसला क्या है कि उनकी नजर में उम्र जो है वो इट्स जस्ट अ नंबर। वो उनको वो दो बार सोचते भी नहीं है कि यार ये यंगस्टर्स को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बिकॉज माशाल्लाह माशाल्लाह। ही इज सो यंग एंड इज सो इनर्जेटिक। मतलब हम लोगों ने तो देखा है कि किस किस्म का जी वो जी बहने जी करते हैं, जी पसीना बहाने का उनके अंदर जो सलाहियत है। मतलब इवन रिहर्सल में जिस तरीके का पसीना बहता है, और फिर शो में वो आप उनसे जग घूमिए, आप उनसे जो स्टेप है आप 10 बार करा लीजिए, 10 बार करेगा बंदा। हाँ, तो वो जो नेचुरल सा उनके अंदर एक एलिमेंट जो यूथफुल है, सो जी बताइए, आई थिंक ही मस्ट बी इन हिज 50s जब ये गाना आया। हाँ और स्वैग टर्म जो है आज के टाइम पे उनके साथ में जुड़ चुका है। तो जी उम्र जी का जी उससे जी कोई लेना देना है ही नहीं। इट इज राइट ऑल इन माइंड, इट इज ऑल इन द माइंड, एंड द फैक्ट दैट ही इज फिजिकली सो फिट एंड राइट कूल, लुक्स वेरी कूल। मतलब वो स्वैग उनके ऊपर सूट करता है।
मुझे लगता है पहली चीज जो उनके साथ जुड़ी है वो मोहब्बत है, और लोगों की, हम सब की, हम सब फैंस की, मैं तो फैंस ही कहूंगा, बाद में तो मतलब कोरियोग्राफर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, फैंस ही हैं जो हमारे, हम उनके लिए हम चाहते हैं कि वो, जब भी उनका कोई काम हमको मिलता है तो हम ये चाहते हैं कि हम हमारा बेस्ट काम अभी कर रहे हैं, ये हमारा बेस्ट काम है। तो वो मोहब्बत जब जुड़ती है, आप कोई काम मोहब्बत से करते हो तो ऑब्वियसली वो पास ऑन होती है पूरी यूनिट में, और पूरे के पूरे एम्बियंस में, और पूरी की पूरी कंट्री में, पूरी पूरे वर्ल्ड में। तो आई थिंक वो मोहब्बत ही है जो उनको अभी तक उस तरह रखी है, और वो ब्लड, एक इंसान को मोहब्बत रहती है तो इंसान हमेशा जवान ही रहता है मुझे लगता है, क्या और हम सभी बात लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उस वजह से आज माशाल्लाह। है। और मुदसर, बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करने में, बड़े बड़े दिल से आप दिल खोल के जी बात करते हैं, विच इज आई थिंक ऑलवेज जी ऑलवेज अमेजिंग। थैंक यू सो बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक और यू। अमेजिंग इंसाइट्स आपने जो सलमान खान के कोरियोग्राफी से रिलेटेड आपने शेयर करे हमारे साथ में। थैंक थैंक यू यू वेरी थैंक मच एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू एज वेल मैन। यू, ऑल द बेस्ट विशेस टू यू टू भाई, कीप रॉकिंग, और कुछ लेके आना मेरे लिए बाहर से, बारगांव से जी। आपको यहाँ पर आना है, अब यहाँ पर समर्स हो रही है, अब आपको यहाँ पर आना है, बहुत खूबसूरत होने वाला ओ या या या।